लिए चाहिए कर्मेंद्रियों की शीतलता, जो शरीर से डिटैच होने का, एक होता है कर्म के हलचल और एक होता है कर्मेंद्रिय के हलचल, है ना। दो हलचल है, एक है कर्म के हलचल और कर्मेंद्रियों के हलचल। जब हम कर्म की हलचल नहीं भी तो भी कर्मेंद्रियों की हलचल चल सकती है, चल सकती है। इधर बैठे हैं, कोई कर्म तो नहीं है ना, लेकिन कर्मेंद्रिया, कोई आएगा इधर देखेंगे, कोई कुछ बोलेगा पीछे देखेंगे, कर्मेंद्रियों की हलचल हो सकती है। तो अशरीरी के लिए चाहिए कर्मेंद्रियों की हलचल भी समाप्त हो जाए, मतलब फोर्सिबली भी नहीं कि नहीं, लेकिन इतनी शक्तिशाली एकाग्रता जो कर्मेंद्रियों की हलचल। तो ये है अशरीरी। चल बाबा के शब्दों में सुनते हैं 24:5। मीठे बच्चे, सच्ची शांति के लिए, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ, जब चाहो शरीर पे बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारा हो जाओ। ये है सच्ची शांति, जब चाहो शरीर को यूज करो और जब चाहो इससे डिटैच हो जाए, ये पुरुषार्थ करना है। अच्छा, प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार की कमाल कौन सी है? अभी तक साउंड क्लियर नहीं आया? आ गया दीदी, क्लियर दीदी अब आई है। तो बाबा पूछ रहे हैं, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार की कमाल, बहुत सारे कमाल है वैसे तो, आज कौन से कमाल बताई होगी? मनुष्य देवता बना देते। अच्छा, इतने प्यार से ज्ञान देते हैं, ज्ञान तो वैसे बहुत सब बहुत लोग प्यार से ही देते हैं। अच्छा, और इसके नेक्स्ट क्या है? राइट है, ज्ञान प्यार भी देते हैं, नेक्स्ट है प्यार की कमाल। हम सबने अनुभव किया है प्यार बाबा का। मीठा बना देते, मीठा बना देते, हाँ, इतना जो मीठा शरीर है उससे डिटैच हो जाते हैं। और प्यार से व्यक्ति जहाँ प्यार होता है ना, वहां फिर उसके तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है। और देवता बनाते हैं दीदी, मुझे देवता बनाते हैं। भक्ति मार्ग छुड़ा दिया, ये प्यार की कमाल है, ये भी बात है, क्योंकि इतने डीप सेंटिमेंट्स है उसको हम मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग। मन के रूप को छुड़ा दिया, ये सब राइट है। बाबा कह रहे प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते। प्यार से शिक्षा दे रहे ना, प्यार मतलब बाबा के हर शब्दों में वो शुभ भावना दिखाई देती है। शिक्षा तो कोई अच्छे से भी दे सकता है, लेकिन वो महसूस जो आज का व्यक्ति इशारा भी है। तो अति मीठा आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है, जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्य की आज भी भीड़ लगती है। बाप
बाप आई है बच्चों को, मनुष्य से देवता, पुजारी से उच्च बनाने, मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। अच्छा गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये गीत ऐसे एकदम एक्यूरेट कैसे है? पहले गीत होता है, पहले ये होता है, मालूम है ना? तो गीत तो एक्चुअल तो मुरली यहाँ से शुरू होती, गीत है तो प्यार का सागर है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन आंसर और वो सब लेते हैं। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंखें खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तिजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग। राजा ही प्राप्त करने के लिए, राजा ही प्राप्त कराने वाले से और राजा ही से योग। इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। एक्चुअली हाईएस्ट नॉलेज बोलना था ना, भगवान, हाईएस्ट भगवान और हाईएस्ट नॉलेज दे रहा है, तो सोचा कि हाईएस्ट लैंग्वेज में देंगे, मतलब हाई। अब संस्कृत हाईएस्ट बहुत हाई वर्ड्स है, हिंदी का भी हाई फॉर्म है, तो इसलिए उन्होंने उसको लैंग्वेज को भी संस्कृत कह दिया। लेकिन परमात्मा कौन सी लैंग्वेज यूज करता? हाईएस्ट गॉड, हाईएस्ट नॉलेज, लेकिन बहुत क्लियर समझने वाली लैंग्वेज। लैंग्वेज हाईएस्ट नहीं है। तो बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई। बच्चे जानते बाप क्या समझाते और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर है, तो जरूर तब तो प्यारे थे प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूं। ये दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुखी नहीं था, परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप क्या कर सुख देते हैं। और अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो, बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से, बाप आकर वर्षा देते, प्राप्ति चाहिए ना, प्राप्ति होती है मतलब सुख है, सुख मिलता है, तो बाप आकर वर्षा देते। कोई धनवान भी होते बच्चों को वर्षा देते, सुखी बनाते, परंतु शांति तो दे ना सके। शांति तो सब चाहते हैं। अच्छा सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते मन की शांति कैसे हो, बाबा ने समझाया है। क्या बोले, ये राइट है, मन की शांति हो। कितने सारे मतलब धीमी है मन की शांति, किताब है मन की शांति, तो राइट है ना वर्ड, नहीं राइट है, फिर क्या राइट है, आत्मा। हाँ तो बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया, मन को अशांत किसने किया, वो फाइंड आउट करो। मन शांत कैसे हो जरूरी नहीं, वो तो है ही। पानी गर्म हो गया तो क्या कारण है वो गर्म हो गया, पानी को ठंडा करने की मेहनत नहीं करनी होती है, उसके गर्म वाले स्टाइल जो एलिमेंट है जो रीजन है उसको निकालना होता है। समझ में आया, एग्री कि मन को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए।
मतलब इसमें हम फिर चैलेंज कर रहे हैं ना, चाहिए उसको शांति चाहिए का मतलब क्या है, वो बेसिकली नहीं है, वो स्वधर्म में है, ऑलरेडी है, अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली तो है ना है, जब बेसिकली अब जैसे भाई गोराग करो तो मतलब क्या है, बेसिकली वो नहीं है, अब करो उसको कुछ क्रीम व्रीम लगाओ तो वो आर्टिफिशियल हुआ, और वो है ही तो अब जो उसके मैल है काला से वो निकाल दो, क्या करना चाहिए बोलो, गोरा करो या कालास निकालो, ये है ठीक है, एग्रीड। तो मन की शांति वाली किताब नहीं ले चाहिए भी। आत्मा है ही शांत, पर हम लोगों ने वो किताब रखी है अपने यहाँ इसलिए कि वो दुनिया वालों को तो नहीं वैसे समझ में आता, उनको मन की शांति वो बहुत बिकती है किताब, आप लोगों ने ली है, ये सेवा का बहुत अच्छा किताब है, कॉमन टॉप बहुत नीडेड टॉपिक है ना ये, मन की शांति कैसे है कि नहीं, किताब नहीं हमारे पास, हाँ 5 रुपए की किताब है उस, सच्ची मन की शांति 5 या 10 रुपये होगा, रखनी चाहिए, बहुत सेवा करती है। तो आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, बाकी ये ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे, सन्यासियों का तो है ही हटियो, अंदर खड्डे में चले जाते हैं, यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं, कर्म योग है ना, यू तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते, ये तो हमारे हाथ में है, मैं बाजा नहीं बजाता हूं, अपने को डिटैच समझो, इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं है, आत्मा इन आंखों से देखती रहती है, जो शरीर को थोड़ा तकलीफ देके कोई तरह का मन भगवान को परमात्मा में लगाने के तरीके यूज करते हैं, मतलब कई सारे हैं, जैसे पद्मासन कई होते हैं दम, वैसे पद्मासन तो फिर हेल्दी भी है शरीर के लिए, पर कई ऐसे एकदम जबरदस्ती, एक होता है नेचुरल करते रहे तो ये सब हटियो हो जाता है, और फिर वो स्थित हो जाते हैं, स्थित होने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, खड़े खड़े योग करना है, इस तरह करना है, पहले तो बहुत था ना हटियो, एक टांग पे खड़े होना, ध्रुव के तो फेमस थे वो तपस्या, 6 months, 1 चीज ऐसे कर करके 6 months एक एक कर्म इंद्रियों पर पूरा किया योग तपस्या की। तो बाकी इसमें अपने को डिटैच समझो, इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं, इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं इससे कनेक्टेड नहीं हूँ, डिटैच समझो, मैं इस परिस्थिति से डिटैच हूँ, ये फील करने के लिए ये सब हटियों के तरीके है ना, कि फील ये करना है कि इन सब से मैं अलग हूं, मैं मालिक हूं, ये शरीर का मैं मालिक हूं, अब इसको कैसे फील कराया करे, इसलिए ये तरीके उन्होंने यूज किए, जब चाहो जैसे चाहो, इसलिए तो जो ये रामदेव जी के योगा है वो इतना फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के ऊपर है, तो योगा वर्ड यूज किया ना, योगा मतलब जहां आपकी मास्टरी है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, उसको कहेंगे योगा मास्टरी, तो इसलिए वो सब हठ योगा को योगा ही बोलते थे, पर वो परमात्मा की याद नहीं, वो पूरा बॉडी कॉन्शियस में हठ योग हो गया, पहले था हठ योग फिर भी परमात्मा की याद के लिए, अब है हठ योग जो भी है आसन नाम दे दिया शरीर के लिए, क्योंकि लोग हाँ करते थे, पतंजलि योग दर्शन बहुत फेमस है, तो इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं है, आत्मा इन आंखों से देखती रहती है, आत्मा को आंखें मिली है देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूं, ऐसे ही बैठ जाता हूं, परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है, फायदा है ही पाप को याद करने से, जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं
तो कोई फायदा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा नहीं शिव बाबा बोलते हैं कि मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, जुबान से लेता हूँ ना काम ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ के। हाँ फायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सॉरी ये जो है ना बाबा नॉर्मल हमारे कॉन्वर्सेशन बोलते हैं, आत्मा को आंखें मिली है देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूं, ऐसे ही बैठ जाता हूं। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फायदा नहीं है, कोई काम नहीं लो, ऐसी बैठ गई आत्मा। मैं चलो मैं कर्म इंद्रियों को शीतल कर दिया, तो जबान से मैं यूज नहीं कर रही हूँ जबान को, तो योग है। फायदा है ही बाप को याद करने से। तुमने बोला कुछ नहीं, चुपचाप बैठ गए, उसमें भी फायदा नहीं है। फायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फायदा ही हो नहीं सकता। योग को अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विक्रम भी विनाश होते हैं। योग से बड़ी खुशी होती है, विकार विनाश होते हैं। भाई ने नहीं नहीं ओनली हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन यूज नहीं करें, पर अंदर कनेक्शन नहीं हो। हाँ नहीं फायदा है ही जब चार्जिंग कब होगी उसकी। वैसे तो नींद भी एक अच्छा है ना तरीका, डिटैच हो जाती है तो उससे कितना फायदा होता है। शरीर को फायदा हो जाएगा वो भी अगर एक्चुअली डिटैच हो तो, मन अगर ठीक नहीं है तो वो नींद में रहकर भी फायदा नहीं है। इसलिए फायदा है ही डिटैच होने के बाद अटैच होकर। स्विच को भी तो ऑन करना पड़ेगा। हाँ विक्रम भी विनाश होते, आयु भी बढ़ती है। एक भाई ने अनुभव सुना है ना, हाँ ये डॉक्टर भाई, वो छोटी सी एज थी, पैरालिटिक स्ट्रोक आया और इमीडिएटली पहचान गया कि पैरालिसिस है। तो मतलब उसी समय जैसे पहचान गया, बाथरूम में पड़ गए थे, तो युगल को बोला कि आप मुझे ना इमीडिएटली ले जाओ बाबा के कमरे में, घर में बाबा का कमरा है, बाबा के सामने लिटा दिया और कहा कि अभी बस मैं और बाबा। बाबा को कहा कि बाबा देखो ये आ गया स्ट्रोक, अब ऐसे शरीर से या तो इस शरीर को आप ठीक कर दो और इस तरह से अब मुझे फिर या तो फिर जीना नहीं है, चॉइस आपकी है। फिर कह दिया कि कल मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, वो तो नहीं जा सकते, लेकिन किसी को भी बताना कुछ नहीं। अगले दिन अब किसने तो मिलने वाले आ जाएंगे, तो मुझे अब बाबा से योग करना है। लेटे लेटे मैं बिंदु, अगले दिन बाबा बिंदु, 18 अवर्स तक बिंदु रूप स्थिति और रात तक पूरी पैरालिसिस चली गई। फिर मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिलने आए। अब उस समय बाबा मिलते थे, फिर बाबा से बात की, मतलब बात क्या आपको नैनो की भाषा की, मतलब बाबा क्या कमाल की आप, और बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं उसको ऐसे। अगर ऐसी बिंदु रूप अवस्था है तो आत्मा प्योर पावरफुल हो गई, तो वो उसके हिसाब किताब बोला 18 अवर्स तक कोई ऐसा हो नहीं सकता कि बिंदु रूप। ये तरीका है बीमारी ठीक करना है। अगर इस तरह हम बहुत एग्रेसिव है कि मुझे ये कि करना ही है, तो बाबा कहते योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विक्रम भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे,
है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हटियोगी तो नहीं हो, ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो हम आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छा अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है, धीरे धीरे पहले सतो प्रधान अवस्था, फिर तो इसलिए आत्मा में ताकत जास्ती रहती। अगर एक्चुअली उसको ग्रेड करे ना, सतो प्रधान अवस्था, आत्मा इतनी शक्तिशाली कि जो संकल्प कर लिया वो फॉलो करती है। जैसे संगम युग की स्टेज, हमारी सतो प्रधान स्टेज किसे कहेंगे, संकल्प किया मतलब उसमें ही कमिटेड है, मैंने ये संकल्प कर लिया है पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए, सफल करने के लिए, जो जो संकल्प किया बस मैं वैल्यू करती हूँ। त्रेता युग स्टेज सतो सामान्य, क्या स्टेज, बोला उसको मैं फॉलो करती हूँ, मतलब कमिटेड है, दुनिया में उसको कमिटमेंट कहते हैं कि बोल दिया ना, जुबान की कीमत है भाई, जुबान है, इसलिए वो त्रेता युग में वही है ना, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो वो त्रेता युग स्टेज, कह दिया ना फिर तो करना है। और द्वापर युग स्टेज, लिखत में रख किया है ना तो फिर करेंगे भाई, ठीक है मैंने राइटिंग में दे दिया अब तो करना ही है। और कलयुग स्टेज, तो अभी हमें संगम युग में देखना है कि हमारी कौन सी स्टेज है, त्रेता युगी है या कौन सी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो फिर सतो रजो तमो में आती है, अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है, पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। सत्युगी स्टेज कितनी ताकत है, इसलिए उसमें संकल्पों की वैल्यू है। सत्युगी स्टेज वाली आत्मा, मैंने संकल्प किया ना, मैं उसका श्रेष्ठ संकल्प किया करना है। त्रेता युगी स्टेज में शब्दों की वैल्यू है, फिर द्वापर युगी में तो फिर लिखत की वैल्यू है, संकल्प और शब्द कितने भी हो भाई तुम राइटिंग में दो, कलयुग में तो फिर, तो इसलिए वैल्यू कितनी है हमको। तो कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है, तो बेहद का बाप है प्यार का सागर, कितना खींचता है देखो ये लक्ष्मी नारायण, कितने खींचते हैं उनको, किसने इतना मीठा बनाया कोई नहीं जानते, जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वो भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं, ओ हम सो देवता है, भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने ये कलयुगी स्टेज आए, तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए, बिल्कुल बेसमझ। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड है इस समय, सब है तमो प्रधान, परमात्मा को न जानने के कारण टिक्कर बित्तर को याद करते रहते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते, वह सूक्ष्म वतन वासी। लक्ष्मी नारायण आदि को देवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे, श्री कृष्ण देवी गुण वाला था, सत्युग आदि में श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते थे, करते हैं, झूला झूलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो फिर, अगर वो द्वापर युग में आया, कौन से टाइम एंट्री होती है ना, वो उसकी स्टेटस होता है ना,
स्टेटस के अकॉर्डिंग एंट्री का टाइम पता होता है, स्टार्टिंग ओपनिंग बैट्समैन। तो अगर श्री कृष्ण द्वापर में आया, तो फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, परंतु तो फिर श्री राम को भी झूला झुलाना चाहिए, श्री कृष्ण क्यों झूला झुलाते, अट्रैक्शन है। जब वो द्वापर में आया, समझ में आया? हाँ, तो यही ना, तो फिर इतना अट्रैक्शन क्यों होना चाहिए, जबकि वो तो द्वापर युग में आया, वो वाली स्टेटस में आया। तो बाबा कहते हैं, कितना अच्छा है ना बाबा का पॉइंट, तो श्री राम को तो कभी ऐसे झूला झुलाते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़िए भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है, सबसे तीखी दौड़ पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता है। कितना तीखा है बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा। हाँ हाँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो बाबा देते हैं हमेशा, बाबा जो देते हैं रॉकेट की तरह, लंदन, अमेरिका नहीं, लंदन, बाबा हमेशा बोल रहे उसका, यहाँ छोड़ी, अगले सेकंड लंदन में जन्म, लंदन में पहुंच गई। ये उस दिन भी क्वेश्चन था कि वो जो दीदी भूतों की बात कर रही थी नेपाल वाली, वो बोली 13 दिन आत्मा वहीं रहती है, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आत्मा वहां चली जाती है। कौन सी? उस दिन वो जो नेपाल वाली बहन शेयर कर रही थी ना कि 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, तो और बाबा कहते हैं कि आत्मा तुरंत 1 सेकंड में दूसरे गर्भ में चली जाती है, तो या तो ये कि आत्मा तो वहां चली जाती है पर उसका अटेंशन यहाँ रहता है क्योंकि अटैचमेंट यहाँ है, पर वो वहां तो चली जाएगी। अब एक्चुअली ये मिस्ट्री है, 13 दिन नहीं रहती है। बाबा तो बाबा कहते हैं रॉकेट की तरह बहुत जल्दी चली। अब कई बार बाबा कईयों को वतन में रखते हैं, 13 दिन हम भोग लगाते हैं, वो एक अलग केस है, वो तो स्पेशल केसेस हो गए ना, बाबा रख लेता है, वो एक अलग केस नहीं, मतलब 13 दिन का भोग की भी इम्पोर्टेंस होती है। ऐसे वैसे देखा जाए ब्रह्मा बाबा की आत्मा का 13 दिन भोग लगा, अब वो तो वैसे भी वतन में ही रहने वाले थे, तो इसमें हम इसलिए सत्यों के 2-3 बातों में ज्यादा डिटेल में, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है इसके। 4 दिन रखा, 4 दिन रखा बाबा दीदी को शांति बच्चे, अब वो तो भोग तो 13 दिन लगाया, मैसेज आते 13 दिन तक तो मैसेज। अभी हमको अपने आप अपने लिए सोचो, अब वो जो बाबा ने ऑफिशियल संदेश में कुछ बताया नहीं, तो उसके लिए हम कितना ही ज्यादा अनुमान लगाते रहे। फायदा तो बाबा कहते हैं, तो आत्मा 1 सेकंड में है, रॉकेट है, 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में, मतलब दोनों थियरी है, दोनों स्कूल ऑफ थॉट है, 1 सेकंड में भी इमीडिएटली जाएगी, या हो सकता है 13 दिन ज्यादा अटैच, नहीं ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं बोल सकते, रोल होता है सबका, पार्ट होता है। दीदी 13 दिन मैक्सिमम है वो, इसको प्रकाशमणि दादी के लिए बोला ना, बाबा रखेगा थोड़े दिनों के लिए, 13 दिन लेकर बाबा ने रखा, संदेश आते रहे 13 दिन तक, गुजर दादी रोज लाती थी संदेश बाबा का, मतलब उसका क्या ग्रेडेशन है वो भगवान जाने, उसका थोड़ा उसका परव्यू है, वो कर सकते। हाँ भेज दी, हाँ हाँ, वो तो बाबा ने वो संदेश आप लोगों ने सुने नहीं है ना, सुनाएंगे आप, पूरे हैं उस वाले ईयर की मुरलियों, बहुत फेमस है, कितने बुक्स है बाबा की। तो बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है, सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते, सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, और 2 कला कम हुई, इसको कहा जाता है स्वदर्शन, 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में, अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं,
यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। गाया भी जाते है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते ये भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है, ऐसी नहीं बिगर मेहनत कोई राजा ही मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे मास्टर जी आशीर्वाद करो, अच्छा नंबर पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना है, ये गॉडली कॉलेज है। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, कैपिटल राजधानी यही जमुना का कंठा दिल्ली है, कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है। अब तो कौन सी दिल्ली का नाम क्या बाबा बोलते हैं, दिल्ली का नाम बाबा दिल्ली को नहीं नहीं अभी करंट दिल्ली को बाबा की मुरली के वर्ड इंद्रप्रस्थ नहीं, वो तो फ्री फ्यूचर की दिल्ली है, अभी की करंट दिल्ली तो दिल्ली वालों को ही नहीं पता क्या है। कब्रिस्तान राजधानी राजधानी करंट ठिकर ठिकरों की दिल्ली बाबा कहते ना, फिर बाद में ठाकुरों की दिल्ली। किसकी दिल्ली? ये नहीं सुना। ठिकर की दिल्ली है, ठिकर भीतर दिल्ली की दिल्ली है। नहीं 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 ठिकर की दिल्ली है बाबा कहते हैं हमेशा, ठिकर फिर ठाकुरों की दिल्ली होगी। ठिकर मतलब यूजलेस पत्थर पत्थर तो, मतलब एक्चुअली बाबा ने कनेक्ट किया ना कैपिटल बहुतों के, कितने लोग राजधानी कर करके उसको टुकड़े 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 कर दिए सब, तो ये हो गई ना दिल्ली, ठिकरों की दिल्ली। ठिकर भीतर की दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई, लंका कोई और नहीं, इस समय ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य चल रहा है, सब सजनिया शोक वाटिका में बैठी हुई है, वहां होती है शोक वाटिका, यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते मीठे मीठे बच्चों कभी किसको दुख नहीं देना है, सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वो आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, धंधा धूरी से जितना समय मिले बाप को याद करो, पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है, जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं, इसलिए महिमा है प्राचीन योग की। क्यों? एंशियंट राजयोग, वैसे राजयोग अपने आप में है पर एंशियंट राजयोग की इतनी महिमा है क्यों? क्यों अभी जो बाबा ने कहा, अभी जो बाबा ज्ञान देने इसी की प्राचीन भगवान, क्योंकि हाँ, खुद भगवान देके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भगवान स्वयं आकर दे रहे हैं, इसलिए इसकी महिमा है। इसलिए ये जो कहते हैं ना योग शब्द बहुत फेमस है, मतलब ओवरऑल पूरे इसमें कितना चलने लगा ना, 18th आज क्या है 24th है, इस बार 18th मई से शुरू कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रोग्राम्स, उस दिन की बात नहीं है अभी से। तो इतना योग वर्ड इतना कैचअप क्यों हुआ है वर्ल्ड वाइड, जैसे ही नाम लिया प्रपोजल किया तो अब उस आत्मा का नाम हो गया प्रधानमंत्री जी का, कि वो उनके उन्होंने ऐसा कहा और हो गया। लेकिन कारण क्या था, उस योग की अपनी ही एक पावर थी, भगवान के द्वारा सिखाया गया था ना, तो वैसे ही उसका योग वर्ड ही भगवान, राजयोग मतलब ही भगवान ने सिखाया,
तो इसलिए उसके बाद जिसने भी कहा उसको मिल गया। हाँ तो योग वर्ड की फिर वो तो ओवर समय अनुसार फिर उसके मीनिंग डिफरेंट कर लिया, लेकिन फिर भी उस वर्ड में इतनी ताकत थी जो जैसे ही उन्होंने प्रपोजल किया सितंबर में यूएस में बस एग्री हो गए। तो बाबा इसलिए कहते हैं प्राचीन राजयोग मशहूर है, तो धंधा दूरी से सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वो आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधा दूरी से जितना समय मिले बाप को याद करो, पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन युग की बहुत महिमा है, जब समय आता है बाप खुद ही आकर नॉलेज देते, मनुष्य तो दे ना सके, ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते भारत का प्राचीन युग सिखाने आया है, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में नोंद है, भारत का प्राचीन राजयोग है, बाप कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया। बाप समझाते सत्युग त्रेता का संगम होता है तो कला कम होती है, कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती है। तुम इन वर्णों में आते हो देवता वर्ण क्षत्रिय वर्ण, तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि ये सारा खेल है, भारत पर ही हार और जीत का खेल है। क्या था उसमें खेला मेला, कौन से कब था मुरली में बताओ फास्ट बोलो संडे के। रुचिरा बेन संडे इतना टाइम क्यों लगाया, संडे वाली मुरली में तो था खेला और मेला। हाँ। संडे की मुरली में था ना खेला और मेला, वर्ड मेला खेला, तो ये सब खेल है। बस बाबा अभी तो हम आपके हैं, दूसरा न कोई, माया हराती और बाप आकर जीत पहनाते, ये कोई नहीं समझती कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते तुमने शांति का हार गवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। ये सुदर्शन चक्र भी अंदर फिराना चाहिए, बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है। अंदर में चक्र फिराओ बाहर में शंख बजाओ, विष्णु जी बनना है ना, समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया, शंख बजाना ज्ञान देना, तो बाहर में शंख बजाओ अंदर में चक्र फिराओ राजा रानी बन जाएंगे। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। समझते श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है, भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। तो अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बने हो, नास्तिक कहाँ कहाँ नास्तिक वर्ड यूज करते बाबा, न जानने जो भगवान को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते भगवान को नहीं, रचना और रचयिता के राज नहीं, नहीं मानते कि तो कनेक्शन ही नहीं है, जानने का कनेक्शन है नास्तिक, दुनिया में है मानने का, हमारा है जानने, और दूसरा काम वर्ड बाबा नास्तिक वर्ड यूज करते बाबा के ज्ञान रचता और रचना, जो नहीं जानते रचता और रचना, दो जगह बाबा नास्तिक वर्ड यूज करते उनको नास्तिक कहते हैं। रचना रचना और रचना क्या है, पास्ट बोलना चाहिए था, भगवान का परिचय नास्तिक वर्ड में वो आ गया, भगवान का कनेक्शन का तो आ गया, और काम का तारीफ है। नास्तिक वर्ड दो जगह इस ज्ञान मार्ग में यूज करते, क्विज है ये। सर्वव्यापी क्या हो गया सबको, इतने होशियार बच्चे सारे के सारे, बाबा तो सर्वव्यापी की हाँ, क्या बोल रही उर्मी,
नहीं नहीं वो सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापी में नास्तिक वर्ण नहीं यूज करते, वो तो भगवान का दूसरा। मैं थोड़ा सा कहूंगी सबको आ जाएगा। सबको क्या हो गया? किरण बहन, गुलाब भाई, मेहनती बहन, बाबा को छोड़ के सुनीता बहन, बाबा को छोड़ते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं। ना कहना माना नास्तिक, दो जगह बाबा नास्तिक वर्ड के लिए ना कहना नास्तिक। किसी को नहीं आया? ना कहना माना नास्तिक, बाबा की कोई भी आज्ञा को ना करना माना नास्तिक, और यहाँ नास्तिक वर्ड यूज करते, दो जगह बाबा यूज करते। अब तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो, वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है, नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते और फिर भीतर ठिकर में भी कह देते। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है इसलिए मकान बनाते। मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी, साक्षात्कार से बाबा कहलाएंगे, साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि विनाश में बाबा के सब स्थान क्या, कौन से स्थान बनेंगे? ऐसलम के स्थान, राहत के स्थान, सहारा देने वाले। यहाँ आकर जैसी आत्मा पहुंचेगी उसको एकदम शांति की फीलिंग आएगी, उसको राहत मिलेगी। तो ये सारा, तो बाबा क्या कह रहे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी, साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है ना, तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। तो योग में बैठे बैठे, इसलिए बाबा ने कहा ना कि मकान इसलिए बनवा रहे, योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। सुना? लास्ट की स्टेज वहां वहां होगा हाहाकार और यहाँ होगा। तो योग में बैठ बहुत 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 साक्षात्कार करते रहेंगे। इसलिए वो था ना 48 वाला, जो 47 वाला जो एपिसोड हुआ, तो वहां ये हो रहा है। इन लोगों को पता ही नहीं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, दादियों को कुछ नहीं पता एक्सेप्ट 3-4 क्या क्या चल रहा है बाहर। इतनी सिक्योरिटी लग गई पूरे कराची में इनके स्थान, ओम निवास, बाबा निवास के बाहर, इनको पता ही नहीं कि यहाँ वहां घमासान, और वो भी पाकिस्तान में रहने वाले भारतीयों की तो जबरदस्त हालत थी, बहुत ही खराब हालत थी। और विशेषकर उसमें भी भारतीय में भी इंडियन गर्ल्स, गर्ल्स में भी जो अनमैरिड है उनकी जो दुर्दशा हो, पर ये बच्चे बाबा जो कहते हैं ना, बाबा ने इसलिए 1995 की दिसंबर की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा सा वर्णन किया था कि भारत उस समय देखा कि वहां क्या हालत थी बाहर, और तुम बच्चों के लिए बहुत कुछ अवेलेबल था। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे, खुशी में तुम डांस करते हो, उन्हें ना खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है, फिर साक्षी हो देखेंगे। परंतु हिम्मत भी चाहिए, कमजोर तो ठहर न सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको, बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, दुनिया में जितना जास्ती दुख होगा, अंडरलाइन करें, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडार तो जरूर भरपूर होगा, बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे हैं होंगे तो उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बाबा का भंडारा
कितने भी बच्चे हो, तो बाब दोनों बात है, भंडारा भंडारी। तो इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा, बच्चों के पास सब कुछ होता है। अच्छा, कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे, बच्चे तो ठहरे ना। तो ये तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, ये मात पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है, बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते, समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं? क्या बोल रहे बाबा, सुना? ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते, इनकी सोल भुट्टू है क्या? बल समझो ये भुट्टू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो, क्या मतलब, क्या इनकी सोल में कुछ ज्ञान नहीं है, तू है क्या? बाबा को वैसे बोलते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं। आज बाबा कहते हैं हाँ बल समझो शिव बाबा मुरली चलाते उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा कर्म को पढ़ाते। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही सदा सलामत रहेंगे, ठीक है, खुश खैराफत सदा सना। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग वाणी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बच्चों की बाप दादा बाप दादा को याद प्यार। यार मॉर्निंग को नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रहने से फिराते रूहानी नशे में रहना है। हम सो सोहम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरा है सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है, सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। वरदान है तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले हरिभव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है वो भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहां राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। देखो यहाँ तो अभी यहाँ के स्टेटस से वहां के, यहाँ की करंट अपनी स्थिति स्टेटस से वहां का अंदाज लगा सकते। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है। तो जो सदा समीप सदा साथी सदा सहयोगी सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते। एक बहुत अच्छा कनेक्शन है।
सेवा की सीट यहाँ तो भविष्य में राज्य सिंहासन, यहाँ सहयोगी तो वहां सेवा में सहयोगी, सब सेवा के कनेक्शन है, सेवा और तपस्या। यहाँ सेवा में सहयोगी, वहां राज्य के साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन तो वहां सिंहासन। और यहाँ हर कर्म में बाप की याद, वहां बचपन से साथी, बाप साथी। कितना अच्छा है ना। इसमें 9 जून 69 की मुरली में बाबा ने और क्लियर कहा कि कैसे वहां खेलपाल करने वाले कैसे होंगे सत्युग में, कौन खेल श्री कृष्ण के साथ खेलपाल करेगा। अच्छा स्लोगन है, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुभ वाइब्रेशंस वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन में मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलते रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभव ही हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। इसको कहेंगे मनसा सेवाधारी, ऑटोमेटिक होती रहे हर समय। आगे कर दो। ओम शांति। तो अभी हम दीदी से आज का होमवर्क सुनेंगे।